फोटोक्रोमिक लेंस तो आप लोग पहनते ही होंगे, लेकिन एक चीज़ फॉलो करके देखेंगे, फोटोक्रोमिक लेंस पहन के आप लोग जब घर में रहते हैं उस टाइम फोटोक्रोमिक लेंस सफ़ेद रहता है, लेकिन पहन के जब धूप पे निकलते हैं उस टाइम लेंस काला हो जाता है। क्या होता है, सूरज से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे फोटोक्रोमिक लेंस हम लोगों को आँख को बचाता है, और कैटरेक्ट और मैकुलर डिजनरेशन जैसे बीमारी से भी हम लोगों को आँख को बचाता है। लेकिन फोटोक्रोमिक लेंस काला क्यों हो जाता है ये चीज़ बहुत लोगों को ही पता नहीं है। इसको लेके मैं मेरा इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे फोटोक्रोमिक लेंस का बेनिफिट क्या क्या है। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। आप देख रहे हैं सागर आई केयर टिप्स चैनल, मैं हूँ सागर, कॉन्सल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। अभी हम लोग जानेंगे फोटोक्रोमिक लेंस काला कैसे हो जाता है। फोटोक्रोमिक लेंस ग्लास फाइबर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनता है। ग्लास फोटोक्रोमिक लेंस सबसे पहले आविष्कार हुआ था, लेकिन अभी बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ग्लास लेंस भारी होने से अब ज़्यादा टाइम आँख पर पहन नहीं सकते, हाथ से गिर जाने से बहुत ही जल्दी टूट जाता है, और अगर आप ग्लास लेंस पहन के रखे हैं बाहर से कुछ इंजुरी आँख पर हुआ, लेंस टूट के आँख के अंदर जाने से आँख आपका ख़राब भी हो सकता है। एक ग्लास फोटोक्रोमिक लेंस पे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर हैलोइड बोल के एक केमिकल कंपोनेंट होता है, उसका ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेस आके गिरता है तब उधर एक केमिकल चेंज होता है और ग्लास काला हो जाता है। कितना अमाउंट लेंस काला होगा ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट अल्ट्रावायलेट रेस आके लेंस के ऊपर गिर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेस का वेवलेंथ रहता है 320 से 400 नैनोमीटर। ठीक इसी तरह से प्लास्टिक फोटोक्रोमिक लेंस पे नेप्थोपिनास बोल के एक केमिकल कंपोनेंट है जो कार्बन मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, उसका ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस आने से उस और लेंस भी काला होता है। तो इसी तरह से ग्लास लेंस और फोटोक्रोमिक प्लास्टिक लेंस ऐसे ही काला होता है। और एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, एक अच्छा ब्रांडेड फोटोक्रोमिक लेंस ही 30 सेकेंड पे काला होता है, और पहले जैसा मतलब सफ़ेद होने पे 2 से 3 मिनट टाइम ही लेता है। तो आप लोगों को समझ में आया क्या फोटोक्रोमिक लेंस कैसे कलर चेंज होके काला हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे फोटोक्रोमिक लेंस का बेनिफिट क्या क्या है। एक अच्छा ब्रांडेड फोटोक्रोमिक लेंस 100% अल्ट्रावायलेट रेस प्रोटेक्टिव होता है, इसलिए कैटरेक्ट मैकुलर डिजनरेशन जैसे आँख का बीमारी से आँख को रक्षा करता है। फाइबर फोटोक्रोमिक लेंस हार्मफुल ब्लू लाइट से आँख को रक्षा करता है। हम लोग जो मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उससे जो ब्लू लाइट हम लोगों को आँख पे आता है उससे प्रोटेक्ट करके आई स्ट्रेन को एकदम ही कम कर देता है। फोटोक्रोमिक लेंस जब आप पहन के घर में रहेंगे उस टाइम वो सफ़ेद रहता है, जब बाहर निकलेंगे धूप पे तब वो काला हो जाता है। मतलब इंडोर आउटडोर दोनों पे ही बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए एक्स्ट्रा सनग्लास आपको भी कैरी करना एकदम ही ज़रूरत नहीं है। फोटोक्रोमिक लेंस डिफरेंट कलर ऑप्शन में मिलता है, और फोटोक्रोमिक लेंस पावर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है सब पे ही अवेलेबल रहता है। यही है फोटोक्रोमिक लेंस का बेनिफिट। अगर मेरा इस वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना टाइम वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।